स्वर विहार। संसार के तमाम संगीत प्रेमियों को अमिताभ बच्चन का नमस्कार। आपके बेकरार दिलों को करार देने के लिए प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का अनमोल संगीत उपहार स्वर विहार। स्वर विहार यानी कल, आज और आने वाले कल की संगीत बहार। स्वर विहार यानी बीते हुए कल के संगीत कलाकारों के प्रति आज के उभरते संगीत कलाकारों द्वारा आदर के साथ आभार। सबसे पहले इस स्वर विहार में शामिल होने के लिए आ रही है आपके सामने बाल कलाकार सोनाली वाजपेयी। सोनाली है तो सिर्फ 12 साल की, मगर सुना है कि रोज 12 घंटे सही रियाज करती है। आज के स्वर विहार में वो याद कर रही है संगीत के जहां का नूर, यानी मलकाय तरन्नुम नूर जहां। सोनाली उन्हीं नूर जहां जी को आवाज दे रही है। Thank you.
तो ये तर्ज थी सदाबहार संगीतकार नौशाद जी की और गीतकार थे तनवीर नकवी। सुनाली ये तालियां सुन के ऐसा लगता है कि लोगों का जी नहीं भरा है। नूर जहां जी का एक और नगमा सुनाओ जो हम जिंदगी भर ना भूल पाए। किस तरह भूलेगा दिल
सुनाली, हमने सुना है कि गुलाम अली जी तुम्हारे बहुत ही मनपसंद गायक हैं। जी। मगर वो मिस्री की डली बच्चों के लिए नहीं है गुलाम अली, गजल गायकी में उनका अपना मुकाम है। बड़े बड़े गवैये भी उनकी गायकी दोहराते हुए घबराते हैं। मगर अमित अंकल, मैं तो चुपके चुपके गा लेती हूँ। हमको अब तक आशिकी
गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। अभी जो गजल आपने सुनी वो तर्ज और गाई हुई गुलाम अली जी की है और हसरत मोहानी जी की लिखी हुई है। सुनाली, अब हम बहुत पुरानी यादों को ताजा करते हैं। पाकिस्तान के एक ऐसे नगमा निगार जिनके नगमों ने पार्टीशन की दीवार भी तोड़ डाली और हर हिंदुस्तानी के दिल में जगह बना ली, और उनका नाम है कतील शिफाई। उन्हीं का एक नगमा पेश है, तर्ज है इनायत हुसैन जी की, इकबाल बानू जी का अंदाज और सोनाली की आवाज। उल्फत की नई मंजिल को चला तू बाहें डाल के, बाहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। उल्फत की नई मंजिल को चला तू बाहें डाल के, बाहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में। उल्फत की नई मंजिल को चला शामिल कर लो मेरे मासूम गुनाहों में। दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, हम भी तो पड़े राहों में। उल्फत की नई मंजिल को चला चांदनी रातों में तूने खुद हमसे किया इकरार वफा, खुद हमसे किया इकरार वफा। फिर आज है क्यों हम बेगाने तेरी बेरहम निगाहों। Thank you.
खुशियों से हम डूब गए हैं, आहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं। सोनाली बहुत ही ईमानदारी से स्वर लगाती है। स्वर के मामले में तो बहुत ही ईमानदार हो तुम। अंकल ईमानदारी की बात निकली है तो फिल्म ईमानदार का एक गाना सुनाऊं? Thank you.
सोनाली ये बताओ, तुम इस संगीत की दुनिया में रोहतक से बंबई कैसे आई? आई तो मैं ट्रेन से, मगर सच कहूं साधना ने मुझे बंबई पहुंचा दिया। हाँ भाई, संगीत की साधना से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं उस साधना की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो गायिका साधना सरगम की बात कर रही हूँ। मैंने एक बार रेडियो पर उनका गाना सुना, वो गाना मुझे बहुत पसंद आया। मैं जब अपने मम्मी डैडी के साथ बंबई आई तो साधना जी से मिली, और वो जिनसे सीख रही हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी से भी मिली। उनका सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि अंकल मैं भी उन्हीं से सीख रही हूँ। मगर वो गीत कौन सा था? मित्रवा, मित्रवा।
तो ये है साधना सरगम, आवाज पूर्णम, स्वरों में रागों का दर्शन और लय का संगम, संगीत में खोई हुई हरदम, साधना सरगम। साधना जी, आप लता जी आशा जी से तो प्रभावित हैं ही। जी। सुना है कि मेहंदी हसन जी से भी आप बहुत प्रभावित हैं। जी हाँ अमित जी, मेहंदी हसन साहब से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनका सुर लगाने का अंदाज, दर्द में भीगी हुई आवाज मेरे लिए परवाज का काम करती है। मैं संगीत के आकाश में उड़ती जाती हूँ और दोनों जहान तय कर जाती हूँ।
साधना जी, अब मेरा बहुत ही मनपसंद गीत तुमको सुनाना पड़ेगा। कौन सा? वही जो कतील शिफाई जी का लिखा हुआ और फरीदा खानम जी का गाया हुआ, नैना रे नैना।
जयान जी भाई, आनंद जी भाई, आप भी कुछ बोलेंगे कि हम ही बोलते रहेंगे? हम तो अमित जी सिर्फ इतना ही कहेंगे कि टी सीरीज सुपर कैसेट्स यानी गुलशन जी, जिन्होंने हमें स्वर विहार का सपना साकार करने का मौका दिया, अमित जी हम आपके और स्वर विहार के तमाम साथियों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब इस प्रोग्राम के अंत में सोनाली और साधना से कल्याण जी आनंद जी की शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचना, जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश में तहलका मचाया है। Come on, my darling, let's go.
स्वर विहार के इस शानदार सत्कार के लिए आभार। स्वर विहार की यह शुरुआत है, अंत नहीं। स्वर विहार यानी संसार का सुमधुर संगीत। संगीत कभी सरहदों का मोहताज न रहा है न रहेगा। स्वर विहार के सामने किसी धर्म, देश या जाति की दीवार नहीं है। यह तो संगीत की वो पुकार है जिसके सामने तलवार और कटार भी पायल की झनकार में बदल जाती है। अभी तो हमें न जाने कितने जाने माने कलाकारों का आभार मानते हुए उनके गीतों की गुंजार का विस्तार आप तक पहुंचाना है, तो बस आने वाले स्वर विहार के लिए इंतजार, इंतजार और इंतजार। Thank you.